Friends, my name is Umar and you're watching Wrestling TV. तो गाइस इस एपिसोड में मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़। जी हाँ, बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़। अब जैसे कि हम लोग जानते थे कि डेनियल ब्रायन अभी इंजर्ड चल रहे थे, इंजर्ड क्या, वो काफ़ी टाइम पहले इंजर्ड हो चुके थे और ये बाद में हमें पता चला कि डेनियल ब्रायन अब WWE के रिंग में या कहीं पर भी रेसल करते हुए हमें कभी भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि डेनियल ब्रायन काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं WWE के साथ। वो कह रहे हैं कि मैं रेसल कर सकता हूँ। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने उन्हें क्लियर भी कर दिया था कि वो रेसल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी WWE कुछ डॉक्टर्स थे जिनका मानना ये था कि डेनियल ब्रायन कभी भी रेसल नहीं कर सकते। लेकिन अब ऑफिशियली, जी हाँ बिल्कुल ऑफिशियली, WWE के डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि डेनियल ब्रायन आगे रेसल कर सकते हैं। और इसी के साथ WWE ने ये भी कंफर्म किया कि बहुत जल्दी हमें डेनियल ब्रायन WWE के रिंग में लड़ते हुए भी दिखाई देंगे। आपको WWE ने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया, जहाँ उन्होंने लिखा कि WWE के डॉक्टर्स की तरफ से डेनियल ब्रायन को मेडिकली फिट कर दिया गया है और वो बहुत जल्दी हमें WWE के एक्शन में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेबसाइट में यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था उस आर्टिकल में कि क्या डेनियल ब्रायन हमें रेसल करते हुए दिखाई देंगे। रेसल तो ऑलमोस्ट ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि अब जब WWE के डॉक्टर्स ने रेसलमेनिया से ठीक पहले डेनियल ब्रायन को कंफर्म किया है कि वो रेसल कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमें डेनियल ब्रायन रेसलमेनिया 34 में रेसल करते हुए भी दिखाई देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है डेनियल ब्रायन एंड हम सभी WWE के फैंस के लिए। तो गाइस इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी और शॉकिंग न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि डेनियल ब्रायन के रिटर्न से आप कितना ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।